हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलिवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है कि ये आप लोगों की आज की आखिरी क्लास है M1R5 की। इसके बाद आप लोगों का M1R5 का बैच बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपकी कोई क्लासेस M1R5 की नहीं रहेगी। अब जो भी आपकी चलेगी वो तैयारी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आप लोगों की पूरी सीरीज खत्म हो गई है M1R5 की। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने सीरीज बनाई हुई है, जिसमें आप लोगों को सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिए पूरी सीरीज, जो की हमारी सीरीज का नाम है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है ओ लेवल M1R5 क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिंपल आप लोग चैनल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पर आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे YouTube पर आते हैं, YouTube पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ओ लेवल गुरुजी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने सर्च किया ओ लेवल गुरुजी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सर्च किया ओ लेवल गुरुजी। ओ लेवल गुरुजी सर्च करने के बाद आप लोग सीधा हमारे चैनल पर आ जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीधे सीधे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भी आप हमारी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे चैनल पर, तो आप इस तरह से आ जाएंगे ओ लेवल गुरुजी पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पर आना है, क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लासेस की मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिनकी छूट गई है क्लासेस वगैरह, तो उनको सबसे नीचे आना है। ये लिखा है ओ लेवल M1R5 क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास 1 से लेके क्लास जो आज हमारी लास्ट क्लास है यहाँ तक। अब हमारी जो सीरीज चलेगी वो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर या फिर आप लोगों को मिलेगी 1 दिसंबर, हाँ 30 नवंबर पे आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। कल से आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी M2R5 की लगातार, जो कि आप लोगों की अभी बंद कर दी गई थी M1R5 के लिए। तो अब हमने कंप्लीट करने के बाद अब आपकी यहाँ पर M2R5 की क्लासे अपलोड होंगी। इसी के साथ साथ क्या है, आप लोगों की M1R5 की तैयारी शुरू करवा दी जाएगी। चैप्टर वाइज आप लोगों की पहले तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से अपने पेपर को क्वालिफाई कर सके, जो कि आप लोगों का जनवरी में है। कब होना है, एक आज या कल आप लोग, हो सकता है एक मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी क्लास और आपके एग्जाम कब है, इससे रिलेटेड कल आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल से जितने बार भी एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन वही आते हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट है, मैं जो भी क्लास है उसकी अपडेट होती है, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हो गए, नोट्स वगैरह हो गए, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को तैयारी वगैरह करनी है तो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, जिसपे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी तो मैं आप लोगों को उसमें भेज ही दूंगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, पे डेली विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आप लोगों को ओ लेवल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओ लेवल वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको करने के स्क्रॉल करना है। ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं M2R5 के, तो आप लोग ये नोट्स भी ले लीजिए। बिल्कुल सबसे नीचे आना है आपको। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे पेज नंबर 4 पे। इस पेज नंबर 4 पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सारे लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन हो गए, कैल के क्वेश्चन हो गए, टॉप 100 क्वेश्चन हो गए, राइटर हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा तैयारी जो हम करवाने वाले हैं, तो फंडामेंटल से आपकी तैयारी यहाँ पे करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है ओ लेवल M3 के नाम से। अगर आप चाहें तो ओ लेवल M3 के नाम से, IoT क्लासेस के नाम से जाना जाए IoT क्लासेस के नाम से। ये 4th बुक के लिए हो गई, ये 3rd बुक के लिए हो गई। पूरा कंप्लीट ओ लेवल हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग आसानी से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज नीडेड, साइबर सिक्योरिटी का गोल क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक हो गया, सिस्टम बेस्ड अटैक हो गया, वेब बेस्ड अटैक हो गया, सिक्योरिटी PC, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, ये सब को आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए। और इसके पहले मैंने एक क्लास अपलोड की दी थी 7:00 PM, अब से 2 घंटे पहले क्लास अपलोड हुई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस क्लास का वो भी देख लीजिए, जिससे कि आप लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अभी इसको आगे, तो अभी हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको RPA वगैरह के बारे में बता दिया, क्या होता है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, सब कुछ मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे। अभी हम लोग जानने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी करने या नुकसान होने के साथ साथ उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने सर्विसेज के डिसोल्यूशन या गलत उपयोग की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
है। देखिए साइबर आजकल जैसे आप लोग जानते हो कितना साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ठगी का शिकार होना, ठीक है। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से आज के टाइम पे पूरा हर इंसान आप लोग देख रहे हैं आजकल कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन होने के फायदे हैं तो देखिए ऑनलाइन होने के नुकसान भी बहुत है। हर चीज आप जानते हैं डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई, तो फायदे के साथ साथ फायदे भी है लेकिन नुकसान भी बहुत है, क्योंकि हमारा डेटा पूरा ऑनलाइन है। तो इसके लिए हमें क्या अपनाना पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी, कैसे हम अपने डेटा को सिक्योर करें। आज आप लोग देखते हैं हर न्यूज़पेपर में हो गया या फिर कोई भी ऐप वगैरह होता है, हर चीज में सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, इसीलिए ताकि कि हर इंसान जो भी कोई गलती करता है या फिर गलत तरीके से आप लोग देखते हैं कि वो साइबर जो आपका ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है, तो कैसे उससे बचे, उसके काफी ज्यादा आप लोग देखते होंगे कि कैसे कैसे बहुत सारे उसके रूल्स वगैरह रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा बहुत उसी के बारे में पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी वह टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हैकर्स या किसी अन्य खतरे से डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम हैक ना हो जाए, हमारा डेटा कोई चुरा ना ले, तो उससे क्या है रोकथाम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब बात आती है नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो नीड क्या है, वर्तमान का युग एक डिजिटल युग है, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल बैंकिंग अदर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर अदर सर्विसेज पर डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उस डेटा को एक पार्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डेटा हो या फाइनेंशियल डेटा हो, पर्सनल डेटा हो या अदर टाइप ऑफ डेटा हो, ठीक है। इसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसी में वही मैं आपको बता रहा था कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों जरूरत है, क्योंकि हर चीज का डेटा जो भी हमारा वो सब क्या है, डेटा हमारा ऑनलाइन है, तो हमें क्या है इससे खतरा भी ना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अदर टाइप ऑफ डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी के हेल्प से इंटरनेट और सिस्टम पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित किया जाता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें होती है, सिक्योरिटी एप्स वगैरह लेते हैं, एंटीवायरस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो इसकी क्या है हम लोग काफी हद तक या फिर हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाले सिस्टम लेके अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और उसे चोरी होने से बचाया जा सकता है। तो वैसे भी आप लोग समझ गए होते हैं नीड मतलब क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है वो आप लोग समझते हो, क्योंकि डेटा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो इंटरनेट पे वायरल ना हो या फिर कुछ हमारे पैसे वगैरह यहां से हैक वगैरह ना हो, हमारे पैसे अकाउंट से पैसे ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो, तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वैसे भी आप लोग ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे तो हमारा ही लॉस है, अगर हम लोग इससे बचेंगे नहीं तो नुकसान तो हमारा ही है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा, अगर आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से कितने लोगों के लाखों रुपए आजकल जा चुके, चाहे वो आप जॉब्स को लेके भी आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, इसलिए आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। फिर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी गोल्स क्या है, डेटा को प्राइवेसी करना, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, ऑथराइज यूजर के लिए डेटा को अवेलेबल करना। जैसे आप लोग देखते हैं आज मोबाइल की अगर एग्जांपल लें तो आपके मोबाइल में भी क्या है, बायोमेट्रिक होता है, पासवर्ड वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसी यूजर को परमिशन मिले जिस यूजर का वो डेटा है, तो उसको बोलते हैं ऑथराइज यूजर के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी। कोई अनऑथराइज यूजर आएगा तो वो क्या होगा, उसमें वो नहीं कर पाएगा लॉगिन। जैसे दूसरा एग्जांपल आजकल आप लोग ईमेल आईडी में भी देखते होंगे, जब आप लोग ईमेल आईडी पर लॉगिन करते हैं तो टू वे ऑथेंटिकेशन होता है, पहले आपके ईमेल पे वो नोटिफिकेशन भेजते हैं, जब हम उसको यस करते हैं तब जाके हमारा क्या होता है मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर सिस्टम पे क्या होता है, हमारी ईमेल आईडी ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, कितने तरह के साइबर अटैक होते हैं, तो पहला होता है सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक, दूसरा होता है हमारा वेब बेस्ड साइबर अटैक। तो देखिए सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक में क्या होता है, सब वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, बैकडोर्स हो गया, ये सब क्या है सिस्टम बेस्ड होता है, जिसमें कि आपके सिस्टम में वायरसेस वगैरह होते हैं। दूसरा होता है आपका वेब बेस्ड अटैक, तो इसमें होता है आपका डीएनएस स्पूफलिंग, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्वे, मैन इन मिडलवेयर अटैक, ठीक है, एमआईटीएम बोलते हैं, और होता है ब्रूट फोर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं साइबर के अटैक्स के टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो तरह के होते हैं साइबर अटैक, सिस्टम बेस्ड, दूसरा होता है वेब बेस्ड, तो ये आपके सामने है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिंग पीसी, तो कैसे हम लोग पीसी को सिक्योर करते हैं, ये सब चीज यहाँ पे बता रहे हैं। जब पीसी हो चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप इसी को बोलते हैं, तो लिखा है लैपटॉप या डेस्कटॉप को वायरस प्रोग्राम से सिक्योर करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, हमेशा क्या करते चलो अपना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी उसमें अपडेट्स वगैरह आती है वो इसीलिए आती है सॉफ्टवेयर वगैरह में, ताकि न्यू फीचर्स या न्यू वहां पे आपके जो भी अपडेट्स आते हैं, इससे कि जो भी कोई अटैक्स वगैरह हो वो ऑटोमेटिक वहां पे ना कर पाए। तो क्या है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, ऑलवेज यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर, कभी भी कॉपीराइट मतलब कि ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर हमें यूज नहीं करना चाहिए, उसमें से इंटरनेट से डाउनलोड करके हमेशा कैसा यूज करो, लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर यूज करो, बी केयरफुल ऑनलाइन एंड डोंट क्लिक ऑन द
द सस्पिशियस लिंक। और आपको क्या जरूरत है, आप लोग जैसे देखते हो आजकल बहुत अनवांटेड लिंक्स वगैरह आती हैं, मोबाइल पे भी आती हैं आजकल, कि भाई आप लोगों को आपके अकाउंट में इतने पैसे भेज दिए जाएंगे, कृपया दिए गए लिंक पे क्लिक करें। रमी वगैरह की सबसे ज्यादा लिंक्स आती है, तो उन पे क्लिक नहीं करना है हम लोगों को। बैकअप योर सिस्टम, हमेशा अपने सिस्टम में क्या करो, बैकअप लेके रखो, ताकि अगर जरूरत पड़े, अगर हमारा कोई डेटा चला जाए तो हमारे पास बैकअप उसका अवेलेबल हो। कीप योर पासवर्ड सेफ एंड हार्ड टू गेस, पासवर्ड ऐसा रखिए जो कि क्या हो, ऐसा हो कि कोई भी ना पहचान पाए, थोड़ा उसमें स्पेशल सिंबल एट द रेट, ठीक है, उस तरह की चीजें वगैरह यूज करके रखिए, ताकि हर कोई इसको गैस ना कर पाए। फिर उसमें है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू पीसी, ठीक है, हमें क्या रखना चाहिए अपने पर्सनल कंप्यूटर में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखना चाहिए जो कि हमारे प्रोटेक्ट करता है पीसी को। एडजस्ट योर ब्राउजर सेटिंग, ठीक है, कुछ ब्राउजर सेटिंग्स भी करिए, इनेबल फायरवॉल, फायरवॉल को इनेबल करिए, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिंग स्मार्टफोन, जो कि देखिए सब लोग चलाते हैं, तो स्मार्टफोन में भी क्या क्या सिक्योर रखना चाहिए वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो स्मार्टफोन भी कंप्यूटर की तरह हैकर्स के फेवरेट टारगेट होते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं जैसे कि बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल को प्रायोरिटी देते हैं कि हम तो अपने मोबाइल से ही कर लेंगे, तो लोग कंप्यूटर की जगह मोबाइल से भी काम करते हैं। तो बता रहे हैं कि स्मार्टफोन क्या है, फेवरेट टारगेट है हैकर्स का। स्मार्टफोन में कई तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जैसे पिक्चर हो गया, लोकेशन हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन, आप लोग एप्स वगैरह यूज करते हैं बैंक्स वगैरह की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किसमें होती है, आपके स्मार्टफोन में हो गई, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गई, इन सभी की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने की आवश्यकता है। स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले कीप अ स्ट्रांग पासवर्ड, जब आपका स्मार्टफोन उसमें पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एप्स में भी एप्स लॉक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। फिर है यूज ओनली ट्रस्टेड एप्स, ऐसे ऐप का यूज करो जो ट्रस्टेड है, ऐसे नहीं यूज मत करिए किसी भी ऐप का जो ट्रस्टेड ऐप नहीं है, और हम लोग उनका यूज करेंगे तो वो गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपडेट फोन एंड ऐप रेगुलरली, अपने फोन को भी अपडेट करते रहिए और एप्स को भी अपडेट करते रहिए। बैकअप फोन डेटा, फोन का डेटा को बैकअप लेते रहिए। सेटअप रिमोट वाइप, ठीक है, मतलब कि कुछ डेटा अपना इस तरह से रख सकते हैं, कुछ डेटा हम लोग को अपना रिमोट पे भी रखना चाहिए, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। वाईफाई और हॉटस्पॉट क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड ऐप परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी जो आप लोग देखते होंगे जब भी हम लोग कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसमें परमिशन के लिए आता है, तो हम लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं, लेकिन एक बार क्या है, उनकी परमिशन को भी जरूर पढ़िए, तब जाके हमें क्या करना चाहिए, उसको जो परमिशन वगैरह देना है तभी हमें देना है, पहले हम उसको रीड करना है, फिर जाके उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोग आज का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, और M1R5 की भी हमारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का M1R5 कंप्लीट हो चुका है, अभी आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी कल आप लोगों को, कि आप लोगों के एग्जाम के लिए कब से मतलब तैयारी कहां से करनी है, कैसे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत सारा कॉन्टेंट आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत सारी नई जानकारी आप लोगों को कल मिलने वाली है, ठीक है। तो जो भी वीडियो अपलोड होती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखे प्रीवियस क्लासेस की वीडियो तो जरूर देख लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।